हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाले घंटे को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो दोस्तों, इस बच्चे के सिर को काटकर डॉक्टरों ने एक भाग में बनाया है। हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टरों का मैजिक, इस बच्चे का सिर दो भागों में बटा हुआ था, जिसको डॉक्टरों ने काट के एक भागों में बना दिया। यूपी के इलाहाबाद में एक चिकित्सीय चमत्कार का कारनामा हुआ है। दो हिस्सों में बटे एक 6 वर्षीय बच्चे के सिर को ऑपरेशन कर एक कर दिया गया है। ये कारनामा इलाहाबाद के न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रकाश खेतान ने किया है। 2011 में 8 घंटे के लंबे ऑपरेशन से एक मरीज के सिर से 296 सिस्ट निकालकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा चुके डॉक्टर खेतान ने ये नई उपलब्धि हासिल की है। डॉक्टर खेतान ने बताया है कि इस बार का सफल ऑपरेशन पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है। दुनिया में आज तक सिर्फ ऐसे 3 ही मामले आए हैं। इस ऑपरेशन को विश्व रिकॉर्ड के तौर पर स्वीकृत करने के लिए ऑपरेशन डिटेल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भेजा जा रहा है। इसकी बीमारी क्या थी? मेनिनजोइन की काइलोसिल नाम की इस बीमारी में मरीज का सिर दो भागों में बट गया था। धीरे धीरे सिर का वजन शारीरिक क्षमता से कहीं ज़्यादा हो जाता और मानसिक विकास नहीं हो पाता, इससे मरीज की मौत हो सकती थी। इस ऑपरेशन को सक्सेस करने में 4 घंटे लगे थे। जब पहली बार दो भाग में बटे सिर का एक केस डॉक्टर खेतान के पास पहुंचा तो सिर का सीटी स्कैन कराया गया। रिपोर्ट में पता चला कि बच्चे के सिर के ऊपरी हिस्से की हड्डी ही नहीं बनी है। ये जन्मजात प्रॉब्लम अब बच्चे के दिमाग की नसों पर भी दबाव डाल रही थी। इसका इलाज ऑपरेशन ही था, लेकिन ऑपरेशन में बच्चे की जान बचाना सबसे कठिन काम था। फिलहाल डॉक्टर ने जान भी बचाई और दो भाग में बटे इस दो सिर वाले बच्चे के एक सिर बना दिया।